हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला चैनल। आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने जो है बहुत ही कम वक्त में, यहाँ पे 1 साल से भी कम के टाइम पीरियड में, बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो है रिटर्न बना के दिया है। ऑलमोस्ट 2000% का यहाँ पे जो है रिटर्न बना के दिया है शेयर ने। और अभी शेयर का जो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4 रुपीज़ 19 पैसा चल रहा है। ऐसे ही शानदार शेयर्स के बारे में जानने के लिए और ऐसे ही शानदार वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कंपनी कैसी है और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का नाम क्या है, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप शेयर मार्केट के साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक से भी पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ से पेड मोनेटाइजेशन सर्विस ले सकते हैं और उसके अंदर आपको वॉच टाइम, सब्सक्राइबर और व्यूज़ पूरी तरह से ऑर्गेनिक मिलेंगे, जो पूरी तरह से नॉन ड्रॉप रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि करंट इसका मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 4 रुपीज़ 19 पैसा है और ऑल टाइम में यहाँ पे जो है कंपनी ने 3 रुपीज़ 15 पैसा का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने जो है बहुत ही कम वक्त में 4 नवंबर 2020 से लेके अप्रैल 2022 तक यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है अपने शेयर होल्डर्स को। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनी कैसी है, क्या इसके पैरामीटर्स हैं और कैसे कंपनी काम करती हुई नज़र आती है हमें। कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 92 करोड़ रुपीज़ का है और करंट मार्केट प्राइस 4 रुपीज़ 19 पैसा। और इसी के साथ साथ 52 वीक हाई 6 रुपीज़ 30 पैसा और 52 वीक लो जो है 2 रुपीज़ 32 पैसा है। स्टॉक पी की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक पी यहाँ पे शानदार निकल के आ रही है 8 रुपीज़ 34 पैसा। और इसी के साथ साथ बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट शेयर जो है डबल की पोजीशन पे शेयर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। डबल तो नहीं बोल सकते लेकिन बुक वैल्यू से अबाव 80% ही शेयर चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, आरओसी आरओ सब कुछ यहाँ पे जो है आरओसी आरओई सब कुछ यहाँ पे जो है पॉजिटिव में है। और इसका रिजर्व जो है 43 करोड़ रुपीज़ का है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास यहाँ पे डेप्थ जो है 50 करोड़ के आसपास है, यानी डेप्थ और रिजर्व दोनों भी इक्वल ही हैं। कंपनी जब चाहे तो अपने आप को डेप्थ फ्री कर सकती है। इसके अंदर फॉरन यहाँ पे फॉरन इन्वेस्टर भी एक्टिव हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक्टिव नहीं है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करेंगे तो 0.50 पैसे का अर्निंग पर शेयर है इसका। और रिटर्न 1 साल में अगर हम रिटर्न की बात करें तो 80% का निकल के आ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम बात करेंगे 30% का निकल के आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे कंपनी के यहाँ जो भी रेशियोज अगर हम यहाँ सभी कुछ देखेंगे तब भी जो भी कंपनी के निकल के आ रहे हैं सभी के सभी पैरामीटर जो है पॉजिटिव में निकल के आ रहे हैं। और पिछले 3 साल के अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी के 3 साल की सेल्स ग्रोथ में 324% निकल के आ रही है। डेप्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 0.76% की डेप्ट टू इक्विटी है। और यहाँ पे जो इसका रिटर्न ऑन प्रॉफिट है, रिटर्न ऑन सेल्स है, वो सभी की अगर हम बात करेंगे तो सब कुछ यहाँ पे कंपनी का शानदार निकल के आ रहे हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ईयर की अगर हम बात करेंगे तो 2327% का यहाँ पे जो है रिटर्न निकाल के दिया हुआ है इस क्वार्टर में। और कंपनी के नाम की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है एडविक कैपिटल लिमिटेड और ये कंपनी जो है एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी यहाँ पे जो है लोन लेने और देने में काम करती है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी सेलिंग, परचेसिंग, हायरिंग और बहुत तरह के जो है मशीनरीज और प्लांट्स, इनके सभी के ये सेक्शन में कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी पूरी तरह से फैली हुई है और इससे कॉम्पिटिशन जो है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड्स, बजाज होल्डिंग, चोलामन इन्वेस्टमेंट, इन सभी के साथ ये कंपनी जो है टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। और इसी के साथ साथ अपने आप को प्रूफ भी कर रही है। कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करेंगे तो कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर जो है कुछ खास नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ पे कंपनी जो है बहुत ही शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का जो लगातार अपना सेल्स वगैरह है इंक्रीज़ करते हुए आ रही है। कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे खासे इंक्रीज़ हो रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी में तब भी यहाँ पे जो है शानदार अपना यहाँ पे रिटर्न बना के देती हुई नज़र आ रही है। और इसी के साथ नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पे बहुत ही शानदार है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें कंपनी का, ईयर ऑन ईयर बेसिस में अभी तक मतलब ज़्यादा कुछ सेल नहीं होता था। आप देख सकते हैं मतलब 5 करोड़ के ऊपर कभी गया ही नहीं था सेल, लेकिन अभी यहाँ पे जो है इस क्वार्टर में यहाँ इस ईयर में 40 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे सेल हुआ है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका नेगेटिव था सो अभी पॉजिटिव में आ रहा है। और इसी के साथ साथ कंपनी जो है खुद को अभी यहाँ पे ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे अच्छा खासा निकल के आ रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाउंड इसका सेल्स ग्रोथ में अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो 5733% का यहाँ पे जो है रिटर्न बना के दिया हुआ है। और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो 1267% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। और पिछले एक ही साल में 81% का रिटर्न बना के दिया हुआ है स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसकी प्लस में ही है और कोई भी नंबर जो है इसका निगेटिव में नहीं है, ये एक शानदार बात है। और अगर हम यहाँ पे इसके रिजर्व की बात करें कंपनी का रिजर्व लगातार यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कंपनी जो है पूरी तरह से डेट फ्री ही हम कंसिडर कर सकते हैं इसे, क्योंकि कंपनी का EPS बहुत ही शानदार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।